देखिए, जो राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। हमने कांग्रेस को 170 का जो दावा कर दी 100 पे लेके आ गए और भारतीय जनता पार्टी का भी दिमाग ठीक कर दिया, घमंडी वसुंधरा को यहां से विदा कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर उसी अशोक गहलोत को, जिसने राजस्थान की जनता को दो बार लूटा है पहले वसुंधरा के साथ मिलकर, अगर उसको सीएम बनाती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। राजस्थान के अंदर युवा ईंट से ईंट बजा देगा और लोकसभा चुनाव के परिणाम के अंदर राहुल गांधी को पीएम का सपना आएगा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के अंदर हम अगली हुंकार दिल्ली के अंदर भरेंगे। ये मिला जुली का खेल वसुंधरा गहलोत का था। हमने शुरू से जो आरएलपी का गठन किया इसमें यही था कि इन दोनों को राजस्थान से भगाना है। और अगर कांग्रेस अब भी अशोक गहलोत को सीएम घोषित करे तो हनुमान बेनीवाल और इसकी फौज राजस्थान में इसका विरोध करेगी। हम सरकार को चलने नहीं देंगे, सरकार को अस्थिर करेंगे। सरकार के खिलाफ तो मतदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई की शुरुआत करी, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और मजबूत लोकपाल और प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, ये मुद्दे हमारे जारी रहेंगे। हमें अशोक गहलोत कतई बर्दाश्त नहीं राजस्थान के अंदर। गहलोत के अलावा कोई भी किसान का बेटा अगर सीएम बनता है तो हम उसका अभी शुरुआती दौर के अंदर विरोध नहीं करें। हम चाहेंगे कि राजस्थान का विकास हो।